अब खबरें विस्तार से। हत्या समेत दर्जनों मामलों में वांछित दो कुख्यात अपराध कर्मियों को जिला पुलिस ने धर दबोचा है। 29 अप्रैल को साक्षी में जर्दा व्यापारी मोहम्मद सागिर की हत्या समेत लूट छिनतई और दर्जनों आपराधिक मामलों में लिप्त कुख्यात अपराध कर्मी मोहम्मद शादाब हुसैन उर्फ बच्चा तथा मोहम्मद फिरोज उर्फ काना को जिला पुलिस ने धर दबोचा है। उनके पास से लोडेड रिवॉल्वर, कारतूस एवं बाइक जब्त किए गए हैं। एक क्रिमिनल का नाम मोहम्मद शादाब हुसैन उर्फ शादाब बच्चा है और दूसरे का नाम मोहम्मद फिरोज उर्फ काना फिरोज है। इनके पास से एक कंट्री मेड रिवॉल्वर मिली है और एक कंट्री मेड पिस्टल मिली है और कुछ गोलियां इनके पास से मिली हैं। विगत 29 अप्रैल को मोहम्मद सगीर नाम के एक व्यवसायी की गोली मारकर के लूट के क्रम में हत्या साक्षी थाना अंतर्गत की गई थी। उस घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया था। उस घटना के बाद लगातार इन लोगों की हम लोग तलाश कर रहे थे और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सिटी एसपी के नेतृत्व वाली जो टीम है जिसमें कई थाना प्रभारी शामिल थे, उन लोगों ने इनको क्रिमिनल्स को पकड़ा है। ये क्रिमिनल्स साक्षी में एक व्यवसायी की हत्या के अलावा कपाली थाना जो कि सरायकेला जिला अंतर्गत है वहाँ लूट के दो कांडों को अंजाम दिया था। एक लूट की घटना 4 लाख रुपये की थी, एक और दूसरी लूट की घटना थी। इसके अलावा बिष्णुपुर थाना अंतर्गत इन लोगों ने एक घटना को अंजाम देने का प्रयास किया था जिसमें एक व्यवसायी है उसको ऊपर में गोली चलाने की और लूटने की इन लोगों ने प्लानिंग बनाई थी, जिस संबंध में 5 दिन पहले कुछ क्रिमिनल्स पकड़े गए थे। कल ये लोग एक और घटना को अंजाम देने वाले थे। आदित्यपुर क्षेत्र में सरायकेला में इन लोगों ने किसी व्यक्ति को टारगेट किया हुआ था। गोवा बांधा क्षेत्र से आए करीब 2 दर्जन वृद्ध लोगों ने सरकार से वृद्धा पेंशन की मांग की है। इन वृद्धों के पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं है और दूसरों पर निर्भरता उनकी मजबूरी हो गई है। उन्हें 600 रुपये प्रति माह वृद्धा पेंशन मिलते थे पर करीब 1 वर्ष हो गए पेंशन मिलना बंद हो चुका है। उसका बाद से और नहीं मिला, जाने से पैसा आया ही नहीं, पैसा आया ही नहीं, क्या करेंगे? दिल्ली दिल्ली वहाँ जाते हैं परेशान हो जाता है, लेकिन बैंक में नहीं भेजेगा तो हम लोग कहाँ से देंगे? कितना पैसा मिलता था आप लोगों को? महीना में 600 वृद्धा पेंशन नहीं मिला, पैसा पेंशन अभी बहुत दिन से नहीं मिला है। साल भर का ऊपर हो गया। तो परिवार आपका कैसे चल रहा है? आपका परिवार खाना पीना कैसे चल रहा है? खाना पीना लड़का लोगों को देता है। साक्षी रिफ्यूजी कॉलोनी में बारिश का पानी का घरों में प्रवेश और जलजमाव से परेशान लोगों ने प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है। साक्षी रिफ्यूजी कॉलोनी में हर वर्ष की ये कहानी है। ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होने की वजह से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पाती है, फलस्वरूप गंदा पानी घरों में प्रवेश कर जाता है। इससे लोगों में काफी रोष देखा जा रहा है। बताइए, पंजाबी रिफ्यूजी कॉलोनी से आए हैं, पूरा लैटरिंग और नाली एकदम बुड़का पड़ा है, एकदम नाली का पानी लैटरिंग में ना और पीने वाला पानी सब एक तरफ बराबर हुआ पड़ा है। पानी पीने वाला पानी इतना येलो येलो आता है ना, कुछ बोलने वाला बात नहीं है। क्यों कहे? पीने का लैटरिंग का पानी उनके साथ मिला हुआ है, गटर खराब, लैटरिंग का हो जो सिविल लाइन साफ सफाई होता है, साफ सफाई तो करते ही नहीं है कोई, क्षतिग्रस्त होकर जाम हो गया। हाँ, पूरा जाम, पाइप सब टूट गया है, पुराना 40 साल पहले का पुराना। चाकुलिया में 18 जून को एक सबर युवती के साथ हुई बलात्कार मामले की जांच के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष आरती कुजूर शहर पहुंची हैं। गत 18 जून को चाकुलिया में एक सबर युवती के साथ बलात्कार की घटना की जांच के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष आरती कुजूर शहर पहुंची। उन्होंने इस मामले में पूछताछ की और कहा कि पीड़िता को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिलाने और न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। बच्ची थी जिसके साथ किसी दरिंदे ने क्या कह लें उसको, मिसबिहेव किया था, उसके साथ गलत किया था, तो उस बच्ची से मिलने आई थी क्योंकि यहाँ MGM में एडमिट थी और एडमिट होने के बाद वो रिकवर की। तो चूँकि मैं आज कार्यक्रम में शामिल होने आई भी थी तो मुझे लगा कि मैं उस बच्ची से मिलूँ, तो मैं उस बच्ची से मिलने आई। आप क्या मतलब कुछ क्या आगे रिपोर्ट करेंगे इस मामले को? जी, मैं आकर यहाँ पर जो डॉक्टर्स जो देख रहे थे उनकी टीम से मिली, CWC यहाँ लगे हुए हैं, एक मतलब स्वयं से भी दीदी भी लगी हुई है उनके साथ में, चाइल्डलाइन से जो है वो दीदी लगी हुई है। यही कहा है कि जो सिचुएशन, पूरे MGM को थैंक्स करना चाहेंगे कि बच्ची को जो स्थिति थी उससे मतलब रिकवर करके एक जगह में हंसने के लिए मुस्कुराने के लिए बनाया, अब मुस्कुरा रही है, लेकिन उसके साथ जो इंटरिम कंपनसेशन की बात है वो भी कम से कम कर, सबर जनजाति के बहुत सारे स्कीम्स है सरकार ने सबर जनजाति के लिए, वो स्कीम जितने स्कीम्स है वो भी कम पड़ेंगे। MGM अस्पताल के बाहर युवती से छेड़खानी कर रहे युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया।
फिर पुलिस ने युवक की जमकर पिटाई की। एमजीएम अस्पताल के बाहर एक युवक द्वारा युवती के साथ छेड़खानी की गई। युवती द्वारा विरोध जताने के बावजूद युवक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। ये देख पहले स्थानीय लोगों ने युवक को धर दबोचा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। युवक अपना नाम मोहम्मद कामल बता रहा था। महिला पुलिस ने भी उसकी जमकर पिटाई करने के बाद चालान कर दिया। धुंधाड़े लड़की लेडीज को छेड़ रहा था मैडम। मैंने उसको कुछ बोला भी नहीं, वो बोलता है तुमको नहीं, मैं नहीं जानती हूँ, बोल रहा तुमको भाई हम नहीं जानते, तुम मुझे क्यों मारा, बस उतना ही बोला। बोले तुम जब पुलिस को बुला कर दौड़े, क्या हुआ मुन्नी, जूता खोल के मारने दीजिए ना, कोई भी कुछ चैलेंज करे तो मार देगा उसको, बदमाश कहीं का, वो भी एक लड़की इतनी बड़ी लेडी है, उसको बिना उठ कर आदित्यपुर स्टेशन में ट्रेन की चपेट में आकर एक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। मृत युवक की पहचान आदित्यपुर निवासी रविदास के तौर पर की गई है। मृतक किसी निजी कंपनी में काम करता था। किन परिस्थितियों में वो ट्रेन की चपेट में आया ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसके द्वारा से घटना घट गया, हम लोग तो घर पे थे नहीं, बाद में पता चला। अच्छा, क्या है नहीं है, कहाँ रहते हैं? आजपुर टीम पे। अच्छा, क्या काम करते हैं? क्वालिटी पंप पर। गोलमुरी सर्कस मैदान से विस्थापित लोगों के पुनर्वास की मांग को लेकर जदयू ने आवाज उठाई है। गोलमुरी सर्कस मैदान से विस्थापित परिवारों को पुनर्वास देने की मांग जदयू द्वारा उठाई गई है। पवन पांडे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त से पहल करने और मानवता के नाते कदम बढ़ाने की मांग की है। जिंदाबाद जिंदाबाद वीर जलेश्वर महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे बड़ी विडंबना इस शहर में ये देखने को मिल रही है कि एक शहर में दो कानून का पालन हो रहा है। पहला बात तो यह है कि 86 बस्तियों को एक तरफ मालिकाना हक और लीज की बात हो रही है, लीज के लिए कैंप लग रहा है, लोगों को लीज बंदोबस्ती किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उसी क्षेत्र में गोलमुरी सर्कस मैदान के जो बस्तीवासी थे उनको अतिक्रमण के नाम पर हटा दिया गया, उनको कहा गया कि इंदिरा आवास दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग समर्थन में हैं कि इंदिरा आवास उनको मिले, लेकिन ये कब मिलेगा और तब तक वो गरीब कहाँ रहेंगे? आप जाके देखिए, उसमें कई गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो सड़कों पर इस बरसात में कल रात उन्होंने गुजारा है, देख के दया आती है। तो मेरा ये कहना है कि इंसानियत के नाते जब तक उनको इंदिरा आवास नहीं दे दिया जाता, उनका पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक कम से कम प्रशासन एक तिरपाल लगा के कहीं एक जगह उनको बता दे जहाँ वो फिलहाल इज्जत की ज़िंदगी रह पाए, जी पाए। वहीं दूसरी ओर विस्थापितों ने खुद भी अपना दुखा प्रशासन के सामने रोते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। हम लोग आए हैं सर्कस मैदान, जहां एक बस्ती पिछले 45 वर्षों से बसी हुई थी और तीन पीढ़ियों से ये बस्तीवासी वहां रह रहे थे। हम लोग आए हैं जो अतिक्रमण के नाम पर पिछले शनिवार को इन लोगों को उजाड़ दिया गया,
हम इस बात को मानते हैं कि ये लोग जो रह रहे थे इलीगल तौर पर रह रहे थे, अतिक्रमण था और अतिक्रमण पूरे शहर से हटाया जा रहा है, जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था का मामला हो या बहुत सारी चीज़। लेकिन बात करो बाद में, हर भारतीय का जो मौलिक अधिकार है, चाहे उसको खाने पीने की व्यवस्था हो या रहने की, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इन लोगों को उजाड़ने के बाद पिछले चार दिनों से ये खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। हम ये मांग करते हैं कि इनके लिए दूसरा शेल्टर कुछ रहने का बनाया जाए, इनके खाने को दिक्कत आ रहे हैं बाबू। हम सरकार से विनती कर रहे हैं, हमको 45-50 साल हो चुका है, पीढ़ी से पीढ़ी गुजर गए, बाल बच्चे भी बड़े हो गए, आज हमको सड़क पर ला दिए, आज हम जाए तो कहाँ जाए, सरकार की जमीन था चाहे किसी के भी थे वो ले लिए हैं। सरकार से विनती न कर रहे हैं, हमको कहीं बाल बच्चा लेके बसा दें। आज 5 दिन 4 दिन से बच्चे लेके हम सड़क पर पड़े हैं, इतने बारिश हो रही है, बच्चे कितने मर गए, कितने बीमार हो गए, कितने बाल बच्चा परेशान हो रहा है, रोड किनारे में पड़े हैं। सरकार हमका कुछ मदद कर दीजिए, हमको कहीं घर बना के दीजिए, ना हमको खाने का व्यवस्था हो रहा है, ना कुछ रहने का व्यवस्था।